हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो देखिए, आपका सेंट अप एग्ज़ाम हो रहा है और सेंट अप एग्ज़ाम में देखिए जो केमिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। और ये ओरिजिनल पेपर अभी तक किसी के पास नहीं है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे पिछले ईयर का पढ़ा रहे हैं। और ये ही प्रश्न देखिए, ये प्रश्न वायरल हुआ है और ये प्रश्न सिर्फ मेरे पास है। तो आपको इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसका हम आंसर देंगे। खुद हम सोल्व किए हैं इसको, हम इसका आंसर देंगे, वो भी 100% सही देंगे। और देखिए ये पेपर क्या है, लिख के ले लीजिए, यही पेपर आएगा आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, सेंट अप एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएगा। ये ओरिजिनल पेपर है और हम फेक नहीं बनाते, जो भी प्रश्न बना रहे हैं सब ओरिजिनल बनाते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ से जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा के आप ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और देखिए, आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट क्या कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए। और देखिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए 91, यहाँ पे देखिए मैं बोल ही देता हूँ, लिखा तो नहीं जाएगा क्योंकि ये कंप्यूटर से नहीं बना रहा हूँ मैं वीडियो, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ। आप लोग नंबर लिख लीजिए 91 35 74 20 24। यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर नोट कीजिए आप लोग, 91 35 74 20 24। इस पे क्या कीजिए, मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। देखिए, ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो ऐसे पेपर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर होता है, हम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसका वीडियो बना के डाल देते हैं या पेपर ही डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, इसका पीडीएफ मेन बात आता है, इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित मतलब कि आंसर सहित इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित इसका आंसर कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, हम इसका फटाफट आपको आंसर बता देते हैं। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में कौन आण्विक ठोस है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन आण्विक ठोस है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आई टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी 100% सही हो जाएगा। और ये देखिए, केमिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर है, इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये ओरिजिनल पेपर है। ये पेपर अभी तक किसी के पास नहीं है, जो भी पढ़ा रहे हैं फेक पढ़ा रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है। चलिए, यहाँ पे आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के क्रिस्टलों में प्रवेश जालकों की संख्या अधिक होती है। देखिए, किस प्रकार के क्रिस्टलों में होती है, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर। देखिए, तीन नंबर प्रश्न क्या है, तीन नंबर प्रश्न है कि किसी धातु की षष्ठकोणीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। देखिए, कितनी होती है, 12 होती है, इसे आपको याद रखना है। आप लोग नोट करते चलिए, इसको लिखते चलिए, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, कहीं ये वीडियो डिलीट भी ना हो जाए। और सारे पेपर हम सोल्व किए हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर चलिए चार नंबर प्रश्न पे। देखिए, चार नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, एफ ई करता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए पाँच नंबर प्रश्न है। देखिए, पाँच नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पाँच नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, मोल लता कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल लता कहते हैं। 100% सही जवाब दे रहे हैं हम, पूरा सही आंसर की है। आप लोग मिलाते चलिए, इसको नोट करते चलिए, क्योंकि यही पेपर ओरिजिनल है, यही पेपर ओरिजिनल है। चलिए, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए छः नंबर प्रश्न पे। देखिए, छः नंबर प्रश्न है, किसी विलयन के 200 ml में 2 GnaOH घोल है तो विलयन की मोलरता होगी, क्या होगी, इसको सोल्व किए हैं बाबू, हम सोल्व किए हैं। देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, आइए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, सात नंबर पे। देखिए, सात नंबर प्रश्न है कि 1 ml चीनी के विलयन का हिमांक का अवनमन 1 ml सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक के अवनमन से क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आठ नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कण अर्थ पारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं, किसके कण, देखिए विलायक के कण, किसके कण, विलायक के कण, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 100% ओरिजिनल पेपर है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे आइए नौ नंबर प्रश्न पे। देखिए, नौ नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए यहाँ पे नौ नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, देखिए +0.76 वोल्ट है तो इसका मानक अवकरण क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे -0.76
सात छः वोल्ट होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या करना है आपको, सही करके आना है। चलिए यहाँ पे देखिए नौ नौ दस नंबर प्रश्न पे, देखिए दस नंबर प्रश्न है तो दस का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ पे दस का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दस का क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न हम खुद खींच के लाए हैं तो आपको क्या करना है, इस पर विश्वास करना है, इसको सॉल्व भी किए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ग्यारह नंबर प्रश्न, देखिए ग्यारह नंबर प्रश्न है कि अर्धशैल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, देखिए 12 नंबर प्रश्न कहाँ है, 12 नंबर प्रश्न है देखिए यहाँ पे, सेल अभिक्रिया Fe2+ZN+ZN2+Fe का विद्युत वाहक बल कितना होगा, +0.35 होगा यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 विलयन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, देखिए क्या कहलाता है, 1 फेराडे, 1 फेराडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सब सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया गया है तब आपको आंसर बताया गया है, तो सभी क्या होगा, सभी आंसर सही होगा, यकीन कीजिए सभी आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न आ गया, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, देखिए अभिक्रिया AB के लिए वेग का निरूपित निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, देखिए किसके द्वारा होता है, ये यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले नंबर पर, यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है, देखिए समय का इन्वर्स यानी समय -1 होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या करना है आपको याद रखना है, इसको नोट करते चलिए आप लोग, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम में यही आने वाला है, क्योंकि यही क्या है 100% सही पेपर है, बाकी जो बता रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर है, यहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में आर्हेनियस का समीकरण कौन है, देखिए आर्हेनियस का समीकरण कौन है, तो ये दोनों है, यहाँ पे बोर्ड में गलती हो गया है, पेपर में गलती कर दिया है बोर्ड, यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, इस यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर, देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छद प्रथम कोटि की प्रक्रिया है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रथम कोटि की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण कौन सा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग टिक मारते चलिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है, देखिए कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए, यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि गैस नकाब में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, देखिए किस पे कार्य करता है, अधिशोषण पे करता है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए 100% सही क्या है, क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट करते चलिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है, कौन सी होती है, गैस जो होता है द्रव में परिक्षेप होता है, क्या होता है, गैस जो होता है द्रव में परिक्षेप रहता है। चलिए यहाँ पे आइए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, वो प्रोटीन कौन सा होता है, तो देखिए कौन सा होता है, यहाँ पे कैसीन होता है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट करते चलिए, आप लोग छोड़िए मत, क्योंकि ये कहीं वीडियो डिलीट ना हो जाए। चलिए आइए यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो क्या कहलाता है, देखिए क्या कहलाता है, यहाँ पे धातुमल कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, यहाँ पे धातुमल कहलाता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वात्या भट्टी में लोहा ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, किसका होता है बाबू, यहाँ पे कार्बन का, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि साइनाडाइड विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है बाबू, सिल्वर प्राप्त होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। और इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर सहित कहाँ मिलेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए,
यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, बॉक्साइट अयस्क का सही सूत्र क्या होता है? देखिए बॉक्साइट अयस्क का सही सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। 100% सही हो जाएगा। देखिए हम सब सोल्व किए हैं, ओरिजिनल पेपर है, इसी में से आएगा। इसको क्या कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है? तो कौन है? H3PO4 क्या होता है? त्रिभाषमिक होता है। इसे आपको याद रखना है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है। देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि SO3 में H का संकरण क्या है? तो SP3 होता है। क्या होता है? SP3 होता है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है? देखिए किस सूत्र से निरूपित किया जाता है? यहाँ पे देखिए एस सेट से निरूपित किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि Cu(Z)=29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम 100% सही आंसर की बता रहे हैं और यही ओरिजिनल पेपर है, यही क्या है? ओरिजिनल पेपर है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे अगले प्रश्न 30 नंबर पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? कौन करता है? देखिए Mn क्या हो जाएगा? Z=25 हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 100% टिक करके आइएगा क्योंकि ये प्रश्न सभी सही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? किसमें होती है? यहाँ पे सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? देखिए यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे डी टिक करके आना है। आप लोग फटाफट नोट करते चलिए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 33 का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 0 ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है कि यह समीकरण दिया है, जटिल आयन में लौह आयन की सामान्य संख्या कितनी होगी? तो देखिए 3×6 होगी। यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं है, ध्यान में रखिए आप लोग, एक भी प्रश्न गलत नहीं है, सबके सब प्रश्न सही है। चलिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि पिरामिड इतना, देखिए यहाँ पे लिखा है पिरिडन C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिगेंड है? तो किस प्रकार का है? यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको डी टिक करके आना है। तो चलिए हम आपको ये तो 35 प्रश्न बता दिए, आप लोग क्या कीजिएगा इसके, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर इसको जल्दी से कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो कहीं यूट्यूब डिलीट ना कर दे, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है और ये मेरे पास है। क्या है? ये मेरे पास है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी से क्या कीजिए, टिक करके जल्दी से आप लोग रख लीजिए। और देखिए ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका पूरा जो है इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर सहित और सब्जेक्टिव का आंसर सहित। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके फ़ोन को ओपन कर लेना है और आपके फ़ोन में क्या होता है, गूगल या क्रोम होता है, उसमें किसी एक को ओपन करना है और उसके सर्च बार में लिखना है आस्क क्लास। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, आस्क क्लास, देखिए ASK CLASS आस्क क्लास लिखना है और आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए ऐसा पेज खुल के ओपन आएगा, यहाँ पे लिखा होगा आस्क क्लास होम। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आस्क क्लास की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। कहाँ आ गए? आस्क क्लास के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। आपको क्या, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सेंटअप परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान ओरिजिनल लिंक पेपर लीक हो गया, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव पूरा का है, देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर सहित डाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ऐसा पेज खुल के ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है। सिंपली आपको नीचे आना है और ये देखिए 100% रियल आंसर की है, एक भी प्रश्न गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न का आंसर नहीं होगा सटीक उसका आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन ये गलत एक भी नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है।
यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे एक टेबल दिखेगा, देखिए टेबल पे लिखा है रसायन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है रसायन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, यहाँ लिंक लिखा है, आपको क्या करना है लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान का खुल के ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए सबका आंसर है, देखिए यहाँ पे 100% रियल है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं इसका सब्जेक्टिव, आपको क्या करना है इस PDF को डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी आंसर है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का भी आंसर लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से देखिए डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबका आंसर लिख दिए हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव का लिखे हैं, सबका आंसर सही है। आप लोग क्या कीजिएगा इसको डाउनलोड कर लीजिए, चलिए फटाफट आइए और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।